हर कल शाह रूम ने कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे। और ये वो ज़माना था जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकल के पास एलिया पहुँचे, जहाँ हरकल ने दरबार तलब किया था, इसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग, उलमा, वुज़राओ, उमरा बैठे हुए थे। हरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि इस अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ, और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुठलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी? मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा, उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने? मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा उसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा क्या अपने इस दावा नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है? मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्रा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगु में शामिल ना कर सका। हरकल ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी हुई है? हमने कहा कि हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ, और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो, और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकल ने अपने तर्जमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हमसे आली नसब है, और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है तो तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुज़ुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने आबाओ अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरोग गोई का इल्ज़ाम लगाया है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोग गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है।
और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों होते हैं या कमज़ोर आदमी। तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी इत्तबा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं। और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता के वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तिद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है जिनके दिलों में उसकी मसरत रच बस जाए वो इससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं। तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ़ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पाउंड होता। हर कल ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त मंगाया जो आपने वहिया कल्बी रदिल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए हाकिम बसरा के पास भेजा था और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था। फिर इसको पढ़ा तो इसमें लिखा था अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है शाह रोम के लिए। उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ऐ अहले किताब एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां है वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं और न हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस किताब से मुंह फेर लें तो मुसलमानों तुम इनसे कह दो कि तुम मानो या न मानो हम एक खुदा के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और ख़त पढ़कर फारिग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर व गोगा हुआ। बहुत सी आवाज़ें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो इससे बनी असफ़र रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्ने नातूर एलिया का हाकिम हरकल का मुसाहिब और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हरकल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं क्या वजह है। इब्ने नातूर का बयान है कि हरकल नजूमी था। इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस ज़माने में कौन लोग खतना करते हैं। उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता सो इनकी वजह से परेशान न हो। सल्तनत के तमाम शहरों में यह हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था।
उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हरकल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया ख़त लिखा और वो भी इल्म नजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हरकल हम्स चला गया। अभी हम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का ख़त उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकल के मुआफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। उसके बाद हरकल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हम्स के महल में तलब किया और इसके हुक्म से महल के दरवाज़े बंद कर लिए गए। फिर वो अपने ख़ास महल से बाहर आया और कहा, ऐ रोम वालो, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े, मगर इन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकल ने इस बात से इनकी ये नफ़रत देखी और इनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। बिलाखिर हरकल की आखिरी हालत यही रही। सही बुखारी, हदीस नंबर 7।